कैसे हो बेटा? तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेटा तीसरा लेक्चर आज शुरू करेंगे। आज बेटा हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। किसके बारे में बेटा? करंट डेंसिटी तो हेडिंग लिखते हैं करंट डेंसिटी। क्लियर बेटा? एक बात समझो, करंट डेंसिटी का बेटा एक टर्म है डेंसिटी। अब जैसे आपसे डेंसिटी के बारे में कुछ भी बोला जाए ना, आपके मन में सबसे पहली बात क्या आती है कि भैया ये एम अपॉन वी है, मास अपॉन वॉल्यूम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है बेटा। नहीं बेटा, डेंसिटी का मतलब समझो कैसे डिफाइन करते हैं। आप बहुत सारी जगह डेंसिटी डिफाइन करते हैं, बात समझ में आ गई? जैसे बेटा आपने डिफाइन किया होगा पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या लिखते थे बेटा? कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखा लिखा होगा बेटा, 1000 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो डेंसिटी का मतलब समझो बेटा, डेंसिटी आप हर एक चीज के लिए डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन कर सकते हो बेटा, उसको सुनो। डेंसिटी क्या होता है? जो चीज एग्जिस्ट करे बेटा, जिसकी डेंसिटी आप डिफाइन करने जा रहे हो, एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाई स्पेस वेयर इट एग्जिस्ट। क्लियर बेटा? जैसे आपने क्या किया बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइन किया। तो बेटा आपने क्या किया, पॉपुलेशन ये हो गया डिवाइडेड बाई बेटा लोग कहां रहते हैं बेटा, एक एरिया पे रहते हैं, हवा में तो रहते नहीं कहीं, आगे बात नहीं आई बेटा। तो उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया बेटा, यहां पर एरिया से डिवाइड कर दिया। क्लियर बेटा? ऐसे बेटा जो आप बोलते हैं ना एम अपॉन वी, उसका नाम है बेटा मास डेंसिटी। तो मास की डेंसिटी बेटा, मास ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बेटा कि नहीं करेगा, आगे बात। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, मास डिवाइडेड बाई वी। ऐसे बेटा मैं इसी चैप्टर में डिफाइन करूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर बेटा? तो मैं उसमें क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई बेटा वी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे बेटा मैं करंट डेंसिटी डिफाइन करने जा रहा हूं। क्या डिफाइन करने जा रहा हूं? करंट डेंसिटी। ठीक है? तो देखो, एक कंडक्टिंग वायर हो, ठीक बेटा, इसके इन दोनों एंड्स को बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू अप्लाई कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो बेटा। यहां मान लेते बेटा 0 वोल्ट है, यहां बेटा मान लेते हैं 20 वोल्ट है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ होगा इंटर इस वायर के अंदर, जो बेटा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के साइड होगा बेटा। और इसी बेटा एक करंट भी आया होगा इस तरीके से, आगे का बेटा देखो, यही करंट इस एरिया पर भी होगा, यही करंट इस एरिया पर भी होगा, यही करंट इस एरिया में भी होगा। बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? तो इसका मतलब करंट कहां फ्लो कर रहा बेटा, देखो वही करंट है। ऐसा तो देखने में क्या लगता है कि करंट और वी वैल्यूम पर बेटा फ्लो कर रहा है, करंट तो वैल्यूम पे ही रहा है लेकिन वही करंट है। बात समझ में आई बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो ये किससे रिलेट होगा, पहली बात समझ में आ गई, रिलेटेड होगा करंट से और एरिया से। ये बात सबके समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? तो लिख लेते हैं बेटा, इतना डायग्राम बना लेते हैं। दूसरी बात सुनो बेटा, जो करंट डेंसिटी है बेटा ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या बेटा? ये है वेक्टर क्वांटिटी। आगे बात। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी बेटा तो डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन किधर होगा बेटा? डायरेक्शन विल बी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, along the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के along होगा बेटा। इधर देखो, जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा उसी डायरेक्शन में क्या होता है, करंट का फ्लो। तो बोल सकते हैं along the direction of current, बेटा ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। करंट डेंसिटी क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये
इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आएगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। क्लियर बेटा? आगे बात इधर देखो बेटा, अब करंट डेंसिटी में ही लिखता हूं मैं। एक कंडक्टिंग वायर लिया बेटा, ठीक है, मान लेते बेटा इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। क्लियर बेटा? आगे बात, और यहां बेटा हमने क्या किया, एक छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया, ये एरिया बेटा हमने लिया डीएस एरिया है ये। इस एरिया का नाम क्या रखा बेटा हमने? डीएस। तो अगर आपको याद हो बेटा तो एरिया भी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। उस वेक्टर को कैसे डिफाइन करते थे बेटा? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एरिया के बराबर होता था, याद आया कुछ? और डायरेक्शन हमेशा क्या होता था बेटा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता था कि नहीं होता था बेटा? तो बेटा ये डीएस एरिया है, तो इसके लिए अगर हमने एरिया वेक्टर डिफाइन किया बेटा कुछ ऐसे, परपेंडिकुलर मान लेते हैं आया डीएस वेक्टर, तो बेटा जो करंट की वैल्यू आती है वो होता आई इक्वल टू जे डॉट डीएस। क्लियर बेटा? अच्छा देखो ये किसके लिए आया बेटा, ये इस छोटे से एरिया के लिए आया कि नहीं आया बेटा? तो अगर बेटा मुझे पूरा करंट चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा जे डॉट डीएस ओवर द कंप्लीट एरिया। मतलब ये कंप्लीट एरिया का मतलब समझो बेटा, जितने एरिया के लिए मुझे करंट चाहिए उतने एरिया के लिए मैं क्या कर दूंगा बेटा, इंटीग्रेशन करूंगा। ये बात समझ में क्लियर है? पक्की बात? इधर देखो बेटा, अब यहीं से बेटा एक बात मानते हैं, इफ जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, अगर जे कॉन्स्टेंट हो जाए तो बेटा आई की वैल्यू आ जाएगी जे डॉट इंडिकेशन ऑफ डीएस। तो बेटा इसको हम लिख देते हैं आई इक्वल टू जे डॉट एस लिख देते हैं बेटा। लेकिन ये कब, जब जे क्या है बेटा आपका कॉन्स्टेंट है, अगर जे वेरिएबल है तो इसी फॉर्मूले से बेटा ये रिलेट होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर बेटा? अब सुनो, इतना छापो फिर समझाता हूं तुम्हें और। क्लियर बेटा? छाप लिया। इधर देखो, हमने इसी कंडक्टिंग वायर में, इसी कंडक्टिंग वायर बेटा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ले रखा, दो एरिया लिया बेटा, एक एरिया ये लिया, ये लिया, ठीक है, और एक एरिया बेटा हमने ये लिया। समझो इस बात को, ये लिया इस तरीके से कुछ, मतलब ये क्रॉस सेक्शन लिया बेटा ऐसे कंसीडर हुआ और ये वाला ऐसे कंसीडर हुआ। ये बात समझ में आई? इधर देखो बेटा, इसका एरिया बेटा मैंने बोला ए वन इधर ले लिया और यही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड था बेटा ऐसा ही, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही आया होगा ई, तो जे का डायरेक्शन यही आएगा बेटा कि नहीं आएगा? इस केस में बेटा जे कांस्टेंट है, तो देखो ध्यान से, यहां देखो एरिया वेक्टर और जे के बीच का एंगल कितना हुआ बेटा, जीरो हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या मैं लिख सकता हूं आई इक्वल टू जे डॉट ए, तो ये कितना बेटा जे ए कॉस जीरो, तो कॉस जीरो की बेटा वैल्यू होती है वन, तो यहां से आई जे की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, क्या जे इक्वल टू आ गया आई बाई ए। बेटा ये कब आया? इसके साथ दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या बेटा, जे को मैंने कांस्टेंट माना है। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, मैंने जो एरिया चूज किया है वो क्या है बेटा, आपके एरिया वेक्टर बोल लो, एरिया वेक्टर और जे वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तब ये कहानी हुई है। इसके लिए बात करते हैं बेटा, इधर देखो बेटा इसका एरिया वेक्टर बेटा मैंने माना इधर ये ए वन था बेटा, या इसको ए ही मान लो, इसको बेटा मान लेते हैं ए नॉट, और आपके जे का डायरेक्शन होगा बेटा ये, क्योंकि वो फील्ड के अलोंग ही होता था और इन दोनों के बीच का एंगल बेटा ये है थीटा। तो अगर इसके लिए बेटा मैं डिफाइन करूं, इसको जे नॉट मान लेता हूं बेटा, तो आई तो सेम ही है दोनों जगह,
नेट करंट तो सेम है, तो I इज इक्वल टू कितना बेटा, J नॉट डॉट A नॉट इज इक्वल टू J नॉट A नॉट cos जीरो, सॉरी cos थीटा, जीरो नहीं बेटा यहां पर, तो बेटा यहां से J नॉट की वैल्यू कितनी आई, क्या ये आई I डिवाइडेड बाई A नॉट cos थीटा। बेटा देखो ये J का क्या बता रहा है बेटा, ये J का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये बात तो समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर बेटा। इधर देखो ऐसे अगर बात करूं बेटा, मैं एक एरिया ऐसे ले लेता इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, क्लियर बेटा। तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, डिफाइन कर लेते हैं, नहीं कर लेते, क्लियर है। अच्छा लेकिन वहां पे आई भी चेंज होता, वो भी ध्यान रखना है, ये बात समझ में सबके आई बेटा की आई। तो दो बातें हमें याद रखनी है, कॉन्स्टेंट है जे, तो बेटा मैं जे इक्वल टू आई बाई ए लिख सकता हूं, क्लियर है बेटा, या फिर ए कॉस थीटा लिख सकता हूं बेटा, और थीटा क्या होगा उसमें से एरिया वेक्टर और जे वेक्टर के बीच का एंगल। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई। अच्छा देखो अब बताओ यहीं पे पूछा जाए आपसे, जे ज्यादा बेटा कि जे नॉट ज्यादा, तो इधर देखो बेटा यहां से अगर कंपेरिजन करूं है, ये आई बाई ए है कि नहीं बेटा, ये आई बाई ए नॉट है, क्लियर बेटा। ए नॉट ज्यादा होगा बेटा कि कम होगा, देखो ध्यान से यहां पर बेटा ये ए नॉट पूरा एरिया है कि नहीं है, क्लियर। तो बेटा ये दोनों बराबर आएंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, सॉल्व करके देखो आप, क्लियर है कि नहीं है। क्यों बेटा देखो ए नॉट कॉस थीटा आएगा किसके बराबर बेटा, ए के बराबर, इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा, क्लियर है। ए नॉट कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा बेटा, ए होगा, आगे बात, और ए नॉट साइन थीटा बेटा एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, तो यहां से अगर लाके पुट कर दो इसको मैं, तो दोनों बेटा क्या आ जाएगा, जे और जे नॉट क्या आ जाएगा बेटा, बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है बेटा कि नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना, जब भी कभी कंफ्यूजन हो ना, आप बे से शुरू कर लो, आई इक्वल टू जे डॉट ए से शुरू कर लो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आगे बात छाप लो बेटा सारा कुछ, तो बताओ बेटा कौन ज्यादा, जे ज्यादा है जे नॉट ज्यादा, दोनों बराबर है, ये बात याद रखना। लिखा बेटा सबने, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा बेटा, वो क्या सीखा कि भैया जे इक्वल टू आई बाई ए लिख सकता हूं बेटा कब, जब J कांस्टेंट हो, क्लियर बेटा, और एरिया कौन सा लिया जाए बेटा, उस करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर वाला एरिया ले लिया जाए। बात समझ में आई, क्योंकि बेटा देखो यहां पर जो A नॉट cos थीटा आया था वो क्या था बेटा, क्या उस एरिया का वो कंपोनेंट था जो करंट के परपेंडिकुलर था, आई बात नहीं है बेटा, एरिया वेक्टर वाइज नहीं। अगर एरिया वेक्टर वाइज लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, J इक्वल टू होता है बेटा, बहुत अच्छे से लिखना चाहो तो, अगर J कांस्टेंट है तो J इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग J, क्लियर है बेटा कि नहीं है, पक्की बात, ये समझ में आ गई, छाप लो। देखो बेटा एक छोटी सी बात और सब बता देता हूं अभी, इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। बेसिकली दो टाइप के करंट होते हैं बेटा, एसी और डीसी, एसी एंड डीसी बेटा, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट और बेटा इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्लियर है, ये अल्टरनेटिंग करंट बेटा, ये डायरेक्ट करंट, ठीक है। एक बात सुनो बेटा, अगर कोई भी वायर है ना बेटा, तो जो अगर इसमें डीसी करंट है ना बेटा आई, और आई क्या बेटा इसमें डीसी है, तो
ये पूरे क्रॉस सेक्शन पर यूनिफॉर्मली फ्लो करता है, मतलब इसके लिए बेटा आप जे की वैल्यू पूरे क्रॉस सेक्शन पर कॉन्स्टेंट मान सकते हो जब तक कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। आगे बात फिर से रिपीट करो बेटा, अगर इसमें करंट डीसी है तो क्या होगा, हम ये मान के चलते हैं बेटा कि ये करंट यूनिफॉर्मली पूरे सरफेस पर, इस पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली होगा बेटा, जे की वैल्यू क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। आगे बात क्लियर है, अगर यही आई बेटा एसी हो तो बेटा जैसे जैसे सरफेस से हम एक्सिस की तरफ जाते हैं जे की वैल्यू डिक्रीज करती है। क्लियर बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डीसी के केस में पूरे क्रॉस सेक्शन पर यूनिफॉर्मली फ्लो करेगा, एसी के केस में बेटा क्या होगा, जैसे जैसे हम सरफेस से एक्सिस की तरफ जाएंगे मतलब यहां से यहां जाएंगे घटेगा बेटा, यहां से यहां जाएंगे तो बढ़ेगा, क्यों बेटा, क्योंकि एक्सिस से सरफेस की तरफ जा रहे हैं मतलब इधर घटेगा। क्लियर है बेटा एसी के केस में। अच्छा इस इफेक्ट को बेटा हम अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और नाम देते हैं बेटा स्किन इफेक्ट। क्लियर है, तो लिख लो बेटा इस बात को, ऐसे बना लो पॉइंट और लिखो, इफ करंट इज डीसी, इफ करंट इज डीसी, करंट फ्लोज यूनिफॉर्मली, करंट फ्लोज यूनिफॉर्मली, ब्रैकेट में बेटा लिख लो जे कॉन्स्टेंट, जे कॉन्स्टेंट। अच्छा कब तक बेटा, जब तक कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तब तक मानेंगे, वो बोल ही दे सवाल में कि भैया नहीं डीसी करंट है फिर भी करंट बढ़ रहा है या घट रहा है तो फिर वही मान लेना। क्लियर बेटा, अगर लिखो बेटा इफ करंट इज एसी, इफ करंट इज एसी, एज बी मूव फ्रॉम सरफेस टू, एज बी मूव फ्रॉम सरफेस टू एक्सिस ऑफ द वायर, एक्सिस ऑफ द वायर, करंट डेंसिटी डिक्रीजेज, करंट डेंसिटी डिक्रीजेज, लिखा बेटा ब्रैकेट में कर लो, नोन एज स्किन इफेक्ट, नोन एज स्किन इफेक्ट, इसी में लिख लो बेटा, इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। और एग्जैक्टली बेटा एक्सिस पर ना जीरो होता है एसी के केस में, इधर देखो क्वेश्चंस के थ्रू बेटा शुरुआत करते हैं। हमने बोला ये वायर का बेटा ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, वायर अंदर की साइड है, अब इतनी अच्छी ज्योमेट्री नहीं बेटा, मैं पूरा वायर बनाऊं थ्री डी में बेटा। मैंने बोला इस जे की जो वैल्यू है बेटा, जे इज इक्वल टू है आई नॉट आर, आर बेटा क्या इसमें डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, डिस्टेंस कहां से बेटा, सेंटर से डिस्टेंस है। क्लियर, बना लो ये लिखो और लिखो बेटा फाइंड करंट, फाइंड करंट, फाइंड करंट इन द वायर, इन द वायर इफ रेडियस ऑफ द वायर इज कैपिटल आर, इफ रेडियस ऑफ द वायर इज कैपिटल आर। अब देखो बेटा पहला ही सवाल है बेटा, बड़ा सवाल उठा लिया है तो दुखी नहीं होना है हमें। क्लियर है, देखो बेटा अब क्या करना बेटा, जे की वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। देखो बेटा जैसे जैसे सेंटर से दूरी चेंज होगा, देखो उसी हिसाब से क्या होगा बेटा, जे की वैल्यू वेरी करेगी। इसका मतलब बेटा मैं आई इन इजिकल टू जे इंटू ए लिख दू, मतलब ये लिख दू जे आई नॉट आर इंटू पाई आर स्क्वायर, बेटा कतई बेकूफों वाला काम हो जाएगा ये। क्लियर है कि नहीं है, आगे बात क्यों गलत हुआ, क्योंकि बेटा जे कॉन्स्टेंट नहीं था तो ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो अब समझो हमें अगर आई निकालना बेटा तो हम क्या लिखेंगे, जे डॉट डीएस का इंटीग्रेशन बेटा ओवर द कंप्लीट सरफेस। तो इधर देखो बेटा हमने क्या किया, यहां से आर दूरी पर गए, आर दूरी पर गए बेटा और पतली सी स्ट्रिप मान ली इस तरीके से बेटा, इसकी थिकनेस कितनी है डी आर है। तो अगर इस स्ट्रिप की बात करें बेटा हम, ये आर दूरी पर है
ये डी आर बेटा। तो यहां से बेटा डीएस या डीए की वैल्यू कितनी आई बेटा, ये एरिया निकालना है हमें, क्लियर है। तो कई सारे तरीके बेटा, एक तो आप लिखोगे, देखो ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, इस बाहर वाले सर्कल का एरिया निकाल लो और अंदर वाले सर्कल का एरिया निकाल के माइनस कर दो। एक तरीका बेटा ये है, जैसे आप क्या लिखोगे, पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो बेटा। डीएस की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, पाई यहां से बेटा टू पाई आर डी आर बेटा माइनस होने के बाद प्लस पाई डी आर स्क्वायर बेटा। तो ये वाला टर्म तो जीरो टेंड हो जाएगा, डी आर बहुत छोटा है तो यही बचेगा बेटा, यही बचेगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका बेटा वही, इसको ओपन करके मतलब कट करके ओपन कर दो तो इसका जो कुछ शेप मिलेगा बेटा ऐसा मिल जाएगा। देखो जिसमें ये लेंथ होगा टू पाई आर, ये कितना होगा बेटा डी आर। तो रेक्टेंगल मानते हैं, एरिया लिखे तो कितना जाएगा टू पाई आर डी आर। ये डीएस की वैल्यू आएगी बेटा कि नहीं आएगी, बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अब इधर देखो बेटा, यहां आकर हमने एरिया बेटा वैसे एरिया कॉस थीटा जीरो आ जाएगा, मतलब जो डीएस ले रहे हैं बेटा वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले रहे हैं, क्लियर। क्योंकि पाई आर स्क्वायर बेटा इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा जे के। तो जे की वैल्यू कितना, आई नॉट आर, और डीएस की वैल्यू कितना बेटा, यहां से लिख लेंगे हम टू पाई आर डी आर। पूरे इसको निकाल लो बेटा तो जीरो से लेके कैपिटल आर तक, आई नॉट बेटा बाहर, टू पाई बेटा बाहर कांस्टेंट था, ये आ गया आर स्क्वायर डी आर, कहां से कहां तक बेटा, जीरो से लेके आर तक। तो बेटा ये आ जाएगा टू पाई आई नॉट बेटा, ये आ जाएगा आर क्यूब बाई थ्री। लिमिट लगाने के बाद लिखा बेटा, कर लेना लिमिट लगा के, क्लियर है। ये आ गया बेटा आई की वैल्यू। ये बात सबके समझ में आई बेटा कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं है, पक्की बात क्लियर। चलो पक्की बात बेटा, छाप लिया सबने, छाप दिया बेटा। ऐसे बेटा बहुत सारे सवाल दिए जा सकते हैं जे को वेरी करवा के, क्लियर है। जैसे मैंने ये दिखाऊं तो बेटा इधर देखो, जे इक्वल टू आई नॉट बाई आर, क्लियर बेटा। और कुछ ऐसा है ये आर वन से बेटा आर टू है और करंट यहीं से यहीं तक है, इसमें ये यहां बेटा ये होलो है, बताओ इसमें कितना करंट होगा बेटा। तो मैं डायरेक्टली अब लिखता हूं, इधर देखो बेटा कांस्टेंट है करंट की वेरिएबल है, सॉरी जे कांस्टेंट है बेटा ये वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, आर इसमें क्या बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। तो मैं आई इक्वल टू लिखूंगा जे, और जैसे पीछे डीएस लिखा था वैसे बेटा कितना टू पाई आर डी आर लिखूंगा बेटा। जे की वैल्यू कितना, आई नॉट बाई आर टू पाई आर डी आर बेटा, मर गया, क्लियर है। और लिमिट कहां से कहां, तो बेटा आर वन से आर टू तक सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना आ गया बेटा, क्या ये आ गया आई नॉट टू पाई आर टू माइनस आर वन, ये आंसर है बेटा कि नहीं है। मतलब बेसिकली मैं किसी भी तरीके से सवाल करवा सकता हूं बेटा, क्लियर है। अच्छा जैसे पीछे वाले सवाल बेटा, कई बार ऐसा सवाल भी पूछ सकता है, इधर देखो इसमें था बेटा जे की वैल्यू कितना आई नॉट आर, जैसे बेटा इसने बोला कि यहां से लेके यहां तक हाफ तक और बाकी यहां से लेके यहां तक हाफ में करंट का रेशियो क्या होगा बेटा, तो कुछ नहीं करना है। अगर इसको बेटा आपने माना आई वन ना, तो आई वन में जैसे पीछे किया था वैसे ही करो, बस लिमिट क्या लगाओ जीरो से आर बाई टू तक, आगे बात। और अगर इसमें वाले में बेटा आपने आई टू माना, तो आई टू की लिमिट क्या लगेगी बेटा, आर बाई टू से लेके आर तक। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, करंट डेंसिटी कुछ क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट बात, वेक्टर या स्केलर बेटा, वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा हमेशा बेटा, ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। बात समझ में आई, क्लियर बेटा, छाप गया सारा कुछ, ठीक है। हेडिंग लिखो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिखा बेटा, इसमें सबसे पहला टर्म डिफाइन करो बेटा स्मॉल एन। क्लियर बेटा, लिखो इसमें इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू एन डिवाइडेड बाय वी। क्लियर बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू। क्लियर बेटा, बेसिकली क्या हुआ है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख लो ब्रैकेट में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर, अच्छा ये किस किस बात पर डिपेंड करेगा बेटा, उसको सुनते हैं। ये दो बातों पर डिपेंड करता है बेटा। पहले डिपेंड करता बेटा मटेरियल क्या है। क्लियर है, क्योंकि सबके लिए बेटा कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, तो उस बात पर डिपेंड करेगा, वही फ्री इलेक्ट्रॉन है ये। क्लियर है, दूसरी बात बेटा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर, मतलब फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। क्लियर है कि नहीं है, तो लिख लो बेटा एंड डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड्स एट जो भी है अंग्रेजी का लैंग्वेज, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस, टाइप ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। दूसरा बेटा टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर है बेटा, अब एक बात यही और, अगर टेम्परेचर बढ़ा बेटा तो इन जनरल एन क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर है, लिख लो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। क्लियर बेटा, अच्छा बात सुनो, इंक्रीज होता है ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि लीनियरली इंक्रीज होता है, कि आपने टेम्परेचर डबल किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा, डबल होगी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज नहीं हो रहा है। आगे बात क्लियर है एकदम, चलो अब देखो बेटा हमने क्या माना कि इसमें एक बैटरी लगा के हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। क्लियर बेटा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देंगे। आगे बात बेटा इधर देखो, और किस वेलोसिटी वेलोसिटी से भागेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इस साइड और ये इलेक्ट्रॉन बेटा इधर भागेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी के साथ। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितने के साथ, वीडी के साथ इस साइड भागना ये शुरू करेंगे। आगे बात इधर देखो बेटा, अब बेटा आई इक्वल टू कितना होता है बेटा, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, इसको समझो बेटा, मान लेते किसी भी टाइप बेटा हमने देखा कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर थे जो इधर भागना शुरू किए। ठीक है, तो इसको समझो बेटा टी टाइम बाद ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए होंगे, जैसे इनको बेटा मैं इस कलर से बता देता हूं, ऐसे इनको देखो बेटा ये टी टाइम बाद बेटा यहां से क्रॉस होके यहां पहुंच गए, क्या ये दूरी होगी बेटा VT into DT, तो बहुत स्मॉल टाइम लिया मैंने, यहां पहुंचोगे तो ये बताओ बेटा इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने वाले चार्ज कहां, यहां पे होंगे कि नहीं होंगे, मतलब जो चार्ज इस सरफेस से लेके इस सरफेस के बीच में आए हैं बेटा वो सारे चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को DT टाइम में क्रॉस कर गए कि नहीं कर गए, बात समझ में आई कि नहीं आई, ऐसे एग्जाम्पल रखो। ठीक है, मान ले बेटा क्या कर रहा है कि किसी एक गेट से ना एक बच्चों की लाइन आ रही अंदर की साइड। ठीक है, एक गेट बना लेते हैं, ये गेट रहा बेटा, इससे बच्चों की लाइन आ रही है, ये बच्चे खड़े इस तरीके से लाइन बनाते हैं, बात समझ में आ गई बेटा। इस बच्चों को बेटा हमने नाम दिया ए बी सी डी, इस तरीके से नाम दिया बेटा, मैंने टी टाइम बाद देखा कि ये ए वाला बच्चा यहां पे है, ये कब था बेटा टी इक्वल टू जीरो पर था, ये एट टी था, ए वाला बच्चा यहां पर बेटा, तो
तो बताओ इस गेट को कितने बच्चे क्रॉस कर चुके हैं बेटा। तो मैं क्या करूं, ये काउंट करूं कि यहां कितने बच्चे हैं। वो सारे बच्चे क्या कर चुके हैं बेटा, गेट को क्रॉस कर चुके हैं। आगे बात यही बात मैं यहां ही बोल रहा हूं बेटा। मैंने बोला कि t इक्वल टू जीरो पे ये चार्ज यहां थे बेटा, और dt टाइम बाद जब मैंने नोटिस किया तो ये चार्ज यहां पर आ चुके हैं। तो इस क्रॉस सेक्शनल को बेटा बोलते हैं, ये चार्ज कुछ यहां आ चुके हैं ऐसे समझो। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को जितने चार्ज ने क्रॉस किया होगा कहां होंगे बेटा, क्या यहां होंगे नहीं होंगे, इसी के बीच में। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, क्लियर बेटा। तो मैं लिखूं इधर देखो बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस एरिया गिवन एरिया इक्वल टू, इधर देखो बेटा, एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यूम था तो इसमें कितना है बेटा, ये वैल्यूम कितना होगा, ये वाला एरिया है ए, तो n इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी होगा, डी टी होगा बेटा, नहीं होगा। चाहे इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करें तो चार्ज कितना आ गया बेटा, चार्ज क्रॉसेस इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता बेटा, e, तो चार्ज हो जाएगा e n a b d d t। ये बेटा क्या ये डी क्यू की वैल्यू आई कि नहीं आई, तो आई इक्वल टू कितना डी क्यू बाई डी टी बेटा, यहां से सॉल्व कर लू कितना आ गया, क्या आ गया एन ई ए बी डी। अब सुनना बेटा, मैंने इसको स्मॉल एरिया इसलिए लिया बेटा, इस चीज को, इसको मैं बड़ा लेंथ नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं बेटा, जैसे इस एग्जाम्पल में तो मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म लिया है, क्लियर है। अगर बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म हो तो कल हमने बात करी थी, याद आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी कर जाता है, याद आया कि नहीं याद आया, क्लियर है बेटा कि नहीं है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कर जाएगा बेटा, चेंज कर जाएगा, तो फिर ये लेंथ मैं इस तरीके से लिख नहीं पाऊंगा, बीडी इंटू डीटी। ये मैं तभी लिख सकता हूं जब बीडी क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट है। ये बात समझ में आई, क्लियर है बेटा कि नहीं है, छाप लो। छाप लिया, इतनी बात समझ में आई बेटा। हमने फॉर्मूला ड्राइव किया I इक्वल टू एन ई ए बी डी। अब देखो ध्यान से, हमने वायर लिया बेटा जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है बेटा। अगर यहां से करंट गया I, तो इसमें भी करंट कितना गया होगा बेटा I थ्रू आउट, करंट क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा वायर में, जब तक कहीं और करंट जाने के लिए बेटा कोई और ब्रांच नहीं मिलता इसे, ठीक है। अब यहां से देखो बेटा, अगर इस एरिया को बेटा मैं बोलू A1 और इस एरिया को बेटा मैं बोलू A2, क्लियर है। तो यही से देखो बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं BD इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय NE A, क्लियर बेटा। तो साफ साफ देखो बेटा, I सेम है, एन तो सेम ही रहेगा, क्योंकि दो ही बात पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पर या तो फिर टाइप ऑफ मटेरियल पर बेटा, चेंज नहीं हुआ है दोनों। ई बेटा तो यूनिवर्सल कांस्टेंट टाइप का भी बोल लो चार्ज है, क्लियर है बेटा, इलेक्ट्रॉन का तो कांस्टेंट ही रहेगा। एरिया चेंज हुआ बेटा, इसका मतलब यहां पर सोचो क्या है, क्या बेटा मैं बोल सकता हूं BD1 इज लेस देन BD2। बात समझ में आई बेटा, ये देखो एक बात याद करो, मैंने पहले लेक्चर में बोला था बेटा ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन यहां से आया था ना बेटा उतना इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। क्यों बेटा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम चेंज कर गया ना, जितना इलेक्ट्रॉन यहां से आया था उससे कम इलेक्ट्रॉन गया बेटा, तो करंट ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो dQ / dt की वैल्यू सेम है। अब बेटा अगर आप ऐसे सोचो, एक पाइप से पानी फ्लो कर रहा है ना, आप उस पाइप के मुंह को बेटा हल्का सा प्रेस कर दो तो क्या स्पीड बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ गई बेटा, क्योंकि उसका एरिया आपने घटा दिया, तो जितना पानी इन हुआ उतना ही पानी आउट होने के उसको तेजी से निकलना पड़ेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है बेटा कि नहीं, वही कहानी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा चेंज कर गया कि नहीं कर गया, आ गई बात समझ में कि नहीं आई, ये एनई ए बी डी वाली कहानी से बेटा। यहां बीडी कम होगा बेटा, यहां बीडी क्या होगा, ज्यादा होगा, लिख लो।
लिखा बेटा, ये पॉइंट पूछा जाता है बेटा। अगली बात सुनो, अगला पॉइंट बेटा इसी में, आई इक्वल टू एन ई ए बी डी। तो बेटा आई बाई ए इक्वल टू कितना, एन ई बी डी बोल सकते हो। और बेटा यही टर्म हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले जे, तो जे इक्वल टू कितना बेटा, एन ई बी डी। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आ गई, एन ई बी डी आ जाएगा बेटा कि नहीं आ जाएगा इसका मतलब। और देखो बेटा एन ई तो कॉन्स्टेंट, जहां बी डी की वैल्यू ज्यादा वहां जे की वैल्यू कम कि ज्यादा, ज्यादा। तो बेटा उसी सवाल में अगर मैं फिर से लिखूं, ये वाली कहानी है बेटा, अगर देखो वैसे भी सोच सकते बेटा आई सेम है, यहां एरिया कितना कम, तो बेटा जे की वैल्यू ज्यादा आएगी जाएगी। बेटा अगर ये जे वन है यहां पर और यहां जे टू है बेटा, तो जे टू क्या होगा जे वन से ज्यादा होगा कि नहीं होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जे इक्वल टू कितना बेटा, एन ई बी डी, करंट डेंसिटी है बेटा ये। आगे बात नहीं आई, इधर देखो बेटा, अब सुनना ध्यान से, इसमें थोड़ा सा मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। देखो एन तो बेटा एक नंबर है, ई क्या बेटा चार्ज है, और बी डी क्या बेटा ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा अगर मैं जे इक्वल टू लिखूं एन ई बी डी, तो बेटा इलेक्ट्रॉन किधर भागता था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बेटा। तो ये इक्वेशन लिखा जाएगा बेटा, नहीं लिखा जाएगा, और ई को विथ प्रॉपर साइन लिखना, देखो विथ प्रॉपर साइन नहीं लिखना बेटा तो माइनस लगा लेना। क्लियर है बेटा कि नहीं है, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में भी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ। आगे बात क्लियर है। अब देखो बेटा इसमें एक छोटी सी बात और लिख लो, जैसे हमने पहला सवाल किया था याद करो आप, मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू दो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस को पास करवाया था, याद आया कुछ, पॉजिटिव चार्ज इधर पास करवाया था, नेगेटिव चार्ज इधर पास करवाया था बेटा। तो ऐसे यहां भी होता बेटा, लिख लो इसमें, इफ इफ मोर देन वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर इज प्रेजेंट, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर इज प्रेजेंट, देन जे इज इक्वल टू एन वन ई, तो बेटा रहेगा सेम, या इसको बोल देते हो सकता है उसमें चार्ज ही अलग हो बेटा, क्यू वन बी डी वन, क्लियर बेटा, प्लस ऐसे लिख लो वेक्टर हटाएगा माइनिट्यूड लिख लो बेटा एन टू क्यू टू बी डी डी टू, क्लियर बेटा। अब इधर सुनो बेटा, यहां प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, इस बात को समझो बेटा, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट लेके आ रहे हैं तो प्लस, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं तो माइनस, ये बात लिख लो। मान लो बेटा पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा है और नेगेटिव चार्ज इधर भाग रहा है, तो दोनों क्या होगा बेटा, अगर कहानी से देखा जाए तो दोनों के डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट आएंगे कि नहीं आएंगे, तो यहां माइनस का फार्मूला लगेगा। आगे बात नहीं आई बेटा, मान लिया पॉजिटिव इधर भागा और नेगेटिव इधर भागा, तो बेटा दोनों की वजह से करंट का डायरेक्शन सेम आएगा नहीं आएगा बेटा, तो यहां पर बेटा प्लस का फार्मूला आ जाएगा। आगे बात करंट के डायरेक्शन से सोच लेना, लिख लिया। तो बेटा ये था आज जो हमने अभी तक किया बेटा, ये था कंप्लीटली करंट डेंसिटी से रिलेटेड। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा, लिखो। इन अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू 1 mm square, क्लियर बेटा, एन इक्वल टू 1.2 × 10⁻¹⁹ पर मीटर क्यूब, बेटा हमें डेटा दी गया है, क्लियर है, फाइंड एंड आई इक्वल टू 2 एम्पियर, ये बेटा हमें दी गया है, फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, या इलेक्ट्रॉन कर लो बेटा इलेक्ट्रॉन। तो देखो I इक्वल टू एन ई ए बी डी होता बेटा, तो बी डी की वैल्यू कितना बेटा, I डिवाइडेड बाई एन ई ए, I गिवन है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा बेटा आप करोगे, एन की वैल्यू बेटा गिवन है, ठीक है बेटा, ई की वैल्यू तुम्हें पता ही होता बेटा, ए की वैल्यू गिवन है,
आगे बात बेटा। अच्छा बस यूनिट का ध्यान रखना सारा सारा और सॉल्व कर देना बेटा, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। आगे बात बेटा, पक्की बात, सबने लिखा, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल बेटा लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइंड द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ वायर इन टू डिफरेंट केसेस, इन टू डिफरेंट केसेस। लिखो बेटा पहला, व्हेन टू एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन इट, व्हेन टू एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन इट एंड व्हेन 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन इट। देखो बेटा दो कंडीशन है, एक बार 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, एक बार 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है बेटा। तो I इज इक्वल टू कितना बेटा, एन ई ए बी डी, क्लियर बेटा। वायर सेम है तो बेटा ये सेम हो जाएगा सारी क्वांटिटी, इसको 1 बोल लिया, इसको 1 बोल लिया बेटा, ऐसे लिखा आई टू एन ई ए बी डी टू, बेटा डिवाइड कर दो, बन गया क्या बी डी 1 बाई बी डी 2 की वैल्यू आ गई बेटा 2 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 5। आगे बात बेटा नहीं आई, ऐसे सवाल भी पूछते हैं। तो बेटा एक बार ना एम्स ने एक अच्छा सा सवाल पूछा था, उस सवाल को सुनो पहले आप, देखो क्या पूछा था उसने। लिखो, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू थ्रू अ मेटेलिक वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4×10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। इफ द डेंसिटी ऑफ द एल्युमिनियम कंडक्टर इज, डेंसिटी ऑफ द एल्युमिनियम कंडक्टर इज 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, कंसिडरिंग एल्युमिनियम गैस 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम फॉर कंडक्शन, देन फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एल्युमिनियम एज 27 ग्राम। लिखा बेटा ऑप्शंस, देखो क्या क्या दिया था उन्होंने। पहला ऑप्शन दिया बेटा इन्होंने 1.6×10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन दिया बेटा 3.6×10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तीसरा ऑप्शन दिया बेटा इन्होंने 2.6×10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। चौथा ऑप्शन दिया बेटा इन्होंने 1.5×10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। पांचवा ऑप्शन मैं देता हूं, मैंने कोनी मेरा। आगे का बेटा पांचवा ऑप्शन क्या है, मन्ने कोनी बेरा, ये सवाल था बेटा। अच्छा ये पूछा था बेटा एम्स ने, अभी लास्ट ईयर पूछा है 2019 में, क्लियर। अब देखो बेटा हमें डेटा क्या क्या गिवन था, लिख लेते डेटा। आई इक्वल टू 10 एम्पियर गिवन था बेटा, ठीक है। एरिया बेटा हमें गिवन था 4×10⁻²⁺ मीटर स्क्वायर, सॉरी -6 मीटर स्क्वायर बेटा, ये गिवन था हमें बेटा। डेंसिटी गिवन था 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये गिवन था बेटा। अच्छा एक और बेटा गिवन था कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है। आगे बात बेटा, हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है बेटा m=27 ग्राम। हमसे बेटा बीटी की वैल्यू पूछी गई है, क्लियर है। इतना इंफॉर्मेशन बेटा हमारे पास है, इधर
हमने लिखा बेटा आई इक्वल टू एन ई ए बी डी, बात समझ आ गई बेटा? तो बी डी इक्वल टू कितना आया, आई डिवाइडेड बाई एन ई ए बेटा, मेरे हिसाब से ये पता है, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है हमें, ये पता है बेटा, ये तो दुनिया भर को पता है सबको क्या होता है बेटा, ये वाला पंगा हो गया n की वैल्यू बेटा। अब n कैसे निकाला जाए, क्लियर बेटा? इधर देखो n भी निकालेंगे, हमने एक कंडक्टिंग वायर मान लिया, ये कंडक्टिंग वायर था बेटा, क्लियर है? इसका ये एरिया a है बेटा, ये लेंथ कितना बेटा l है मान लेते हैं, क्लियर है? इधर देखो बेटा इसका मास कितना आएगा, क्या इसका मास आ जाएगा बेटा रो इंटू ए इंटू एल, अरे रो इंटू बी आएगा बेटा कि नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई ये मान लिया बेटा मास आएगा। अच्छा बेटा अगर आप एसआई यूनिट ले रहे बेटा, तो इसको एसआई यूनिट के हिसाब से देखना, मास आ गया बेटा, क्लियर है? अब देखो मोल कैसे निकालते थे बेटा, मोल इक्वल टू आ जाएगा बेटा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, आएगा बेटा कि नहीं आएगा, क्लियर है? अब देखो बेटा मॉलिक्यूलर मास ग्राम में होता बेटा, तो ये भी ग्राम में ही आना चाहिए था, मतलब बेटा ये सारी कहानी किस में होनी चाहिए, सीजीएस यूनिट में होनी चाहिए, आगे बात क्यों नहीं आई? इधर देखो बेटा ये आ गया, अब इधर देखो ये आ गया बेटा मोल, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यही तो बोला गया था बेटा कि एक एटम एल्यूमिनियम का एक ही इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, तो आपको मोल पता है, तो ये हो जाएगा बेटा मोल इंटू एन ए, ये कितना होता बेटा 6.023 इंटू 10 के पावर 23, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, खाली खाली बताऊंगा, क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेरा पूरे उसमें आ गया, आपको मोल पता है, तो यहां से आ गया बेटा, इधर देखो एन कितना होता बेटा, एन की वैल्यू होगी बेटा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई वी, क्लियर है? और वी की वैल्यू कितना आएगा बेटा ए इंटू एल आएगा। तो बेटा देखो अगर मास की वैल्यू लाके रखू यहां पर, तो ए इंटू एल से ए इंटू एल मर जाएगा बेटा कि नहीं मर जाएगा, अरे देखो कितना आएगा ये मोल की जगह क्या आएगा, रो ए एल बाई एम इंटू एन ए बेटा, यहां लाके रखोगे तो ये आएगा बेटा ए एल से एल मर जाएगा, ये आ जाएगा रो डिवाइडेड बाई एम इंटू एन ए। अब देखो बेटा ये सीजीएस में गिवन है, ये सीजीएस में ही गिवन है, कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, बात समझ आ गई यहां, क्लियर है? सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा बेटा, ये रो की वैल्यू बताओ ये रहा बेटा, क्लियर है? एम की वैल्यू बेटा ये रहा, एन ए की वैल्यू आपको पता ही है, क्लियर है? कितना आएगा बेटा देखो, ये आएगा बेटा आपका 2.7, अब इसको सीजीएस बेटा 2.7 क्लियर बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 27 इंटू एन ए बेटा, ये आएगा कितना पर सेंटीमीटर क्यूब बेटा, इसमें हजार से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका आंसर सही आएगा, यूनिट का ध्यान रखना और कुछ नहीं है, बात समझ आ गई? छापो इतना सारा कुछ, छाप लिया, छापो बेटा जल्दी से, छापो बेटा इधर देखो। अब यहां से बेटा अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो कितना जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1/10, तो एन की वैल्यू आ गई बेटा 6.023 इंटू 10 के पावर 22 बेटा, ये आ गया पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा बेटा। अच्छा सेंटीमीटर क्यूब बेटा, तो मीटर क्यूब में कितनी हो जाएगी, इसी का बेटा कितना हजार टाइम होगा, मीटर के पावर 6 टाइम बेटा, देखो अरे एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता बेटा कि नहीं होता है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100, तो बेटा सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा n इक्वल टू
6.023 इंटू 10 के पावर 26 बटा आ जाएगा 28 पर मीटर क्यूब आएगा बेटा। अब सब कुछ सॉल्व कर दो, बीडी इज इक्वल टू आई बाई एन ई ए, आई की वैल्यू 10 आ गया बेटा, आई की वैल्यू कितना 10, ए की वैल्यू कितना बेटा 4 इंटू 10 के पावर माइनस 6, एन की वैल्यू कितना बेटा 6.023 इंटू 10 के पावर 28, एन की वैल्यू कितना बेटा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 आएगा। छाप कर रखा होगा बेटा, ऑप्शन सिखाने देता हूं, इसी को लिख कर देखो बेटा, इक्वल टू देखो माइनस 6 28 और माइनस 19 कितना होगा बेटा 19 और 6 25 और ये 28 बेटा कितना आ गया, क्या आ गया ये 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6.023 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 3 क्लियर बेटा। देखो देखो बेटा ये समझ में आ गया बेटा, यहां 10 आ जाएगा बेटा, एम्स में अच्छे क्वेश्चन नहीं आते, इधर देखो बेटा ये 24 आएगा बेटा, ये 1.6 आएगा, तो 24 1.6 बेटा अगर बात करी जाए लगभग 38 के आसपास आएगा बेटा अप्रोक्सीमेटली अगर बात करी जाए तो, और ये आ जाएगा इंटू 10 के पावर माइनस 2 1 डिवाइडेड बाय बेटा क्लियर है, तो बेटा अगर 1 डिवाइडेड 38 आएगा बेटा तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा, करके देखो ये आंसर आ जाएगा आपका, तो मुझे कैलकुलेशन देखना बेटा आसपास आंसर नहीं है इसके 2.6 के कोई 2 के तो यही लिख दिया मैंने, बात समझ में आ गई कि नहीं आई क्लियर बेटा। तो बेटा आज की सारी कहानी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड, आगे हम और कंटिन्यू करेंगे बेटा अगले लेक्चर।